फ्रेंड्स, मुझे पोरबंदर से लिफ्ट मिल गई थी। द्वारका जा रहा था, लेकिन बीच में मूल द्वारका करके विसावाड़ा गांव है, वहां पे मूल द्वारका है, तो वहां तक मुझे लिफ्ट मिल गई है। ये भाई विसावाड़ा ही जा रहे हैं, तो उसको मैं अभी वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन पहले रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए पवन चक्की। तो फ्रेंड्स, ये सर जी ने मुझे लिफ्ट दी थी, तो मैं विसावाड़ा तक ये सर जी के साथ ही जा रहा हूँ। तो सर विसावाड़ा जाके मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं मूल द्वारका है, तो मूल द्वारका पे मैं पहुँच गया हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो मूल द्वारका। तो इधर भगवान सबसे पहले आए थे। देखिए मूल द्वारकाधीश का मंदिर है, अंदर जाके मैं पूरा दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये आशापुरा पान एंड फास्ट फूड है ना, वहाँ पे खड़ा था, तो ये देखिए मेरी बैग वहाँ रख रहा हूँ। तो ये मूल द्वारका के अंदर आप द्वारका जाते हो ना, रास्ते में ही आता है। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, तो बीच में से जो मुझे सपोर्ट मिल गया था ना, हेल्प मिल गई थी ना, उसने बताया था, तो मैं इधर आ गया हूँ। ये देखिए, ये आशापुरा स्टोर है ना, इसके ओनर है। तुम्हारा नाम हो बापू? ये दीपक भाई करके, देखिए जिसके वहाँ मैं अभी रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अंदर जाके मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मूल द्वारका देश क्या हिस्ट्री है पूरी, देखिए आप देख सकते हो, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश तीनों चीज़ में लिखी है। ये मूल द्वारका का पूरा लिखा है आपको। तो मैं अंदर जाके, परमिशन तो नहीं है, लेकिन मैं अभी पुजारी के जी को पूछता हूँ, परमिशन मिलती है तो पूरा अंदर का भी व्यू आपको दिखाता रहूँगा। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, मैं इधर विसावदर गांव में जो द्वारकाधीश का मेन मंदिर, मुख्य मंदिर है ना, वहाँ पे आया था ना, तो यह वहाँ पे अन क्षेत्र है। तो अन क्षेत्र का नाम क्या है? रामदेवपीर अन क्षेत्र, नाम अन क्षेत्र नाम है। तो वहाँ मैं ठहरा था ना, तो देख सकते हो आप, ये पीकॉक आया है, देखिए ये मोर इधर डेली हर रोज कोई ना कोई ऐसे मोर आते ही रहते हैं। देखिए इधर खाने पीने का डाल रहे हैं उसको, तो हर रोज आते हैं। थोड़ी देर देख के कुछ कला वला करते हैं तो दिखाता हूँ आपको। और शाम को मैं इधर ही ठहरने वाला हूँ, कभी भी आप आओ तो इधर दिक्कत आवे ना, तो आप भी इधर ठहर सकते हो, और सब कुछ फ्री में ही है, पैदल यात्री के लिए बिल्कुल फ्री है। एक सेकंड, चलो मैं अन क्षेत्र है ना, वो महाराज जी से बात करता हूँ, तो बताते हैं पूरा। अपने को तो पता नहीं है, लेकिन ये महाराज जी अपने को बताएंगे पूरा। देख सकते हो ये महाराज जी यहाँ के अन क्षेत्र के। तो मैं, नमस्कार, तो महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश भाई है। और आप ये अन क्षेत्र के बारे में मुझे कुछ बताइए ना, तो दूसरे मेरे दर्शकों जो है ना, उसको दिक्कत ना आवे, कभी भी इधर आवे तो आप उसको भी नहीं ऐसी दिक्कत आवे तो इधर ठहर सके, और कुछ तकलीफ हो तो सॉल्यूशन भी आ सके, इसीलिए आप बताइए तो अन क्षेत्र के बारे में क्या है आपको? ये अन क्षेत्र रामदेवपीर अन क्षेत्र है, मोड़ द्वारका विसावाड़ा में, और ये पैदल यात्रियों के लिए है, 24 घंटा अवेलेबल है ये, और पूरी फैसिलिटी यहाँ मिलती है तो पैदल यात्रियों के लिए। तो पैदल यात्री कोई भी हो ना, तो आप इधर ठहर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इधर आके सिर्फ बता देने का कि नहीं हम इतने लोग हैं, तो क्या है खाना पकाने का ये आराम से हो सके, वरना फोकट का खाना क्यों वेस्ट करें, इसीलिए आप पहले से भी बता देने का इतने यात्री। कन्फर्म करके रखो, कंफर्म करके ही रखना, तो क्या है इधर नंबर भी है मेरा, हाँ, और मैं नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, तो आप कंफर्म भी कर सकते हो नंबर से। मैं ये महाराज जी का नंबर अभी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ ठहरा था वहाँ देखिए, ये पूरी डिश मुझे मिली है, दो सब्जी है, बाद में जीरा राइस ऐसा कुछ है, और गाठिया है, रोटी चपाती है, और ये बटर मिल्क है छाछ। देखिए खाना भी इतना शुद्ध इधर मिलता है, और देसी सबसे बढ़िया मिलता है। और ये देखिए पूरा हॉल, कितने भी लोग आप इधर ठहर सकते हो। ये देखिए पूरा, आपको दिक्कत नहीं है कहीं भी आओ ना। तो फ्रेंड्स, आप देखिए ये बच्चा कैसे खेल रहा है बिल्ली के साथ, देखिए ये पूरी, ये देखिए जहाँ पे मैं ठहरा हूँ ना वहाँ देखिए। तो
तो फ्रेंड्स मैं द्वारका जाते वक्त बीच में हर्षद गांव है उसके वहाँ हर्षिति माँ का मंदिर है, तो मैं वहाँ आ गया हूँ। मंदिर की कुछ अलग ही खासियत है, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं इधर आ गया हूँ। तो आपको किसी को पता हो तो आप कॉमेंट मुझे कर सकते हो। अभी तो दर्शन करने के लिए मंदिर का माता जी की आरती होने वाली है, तो थोड़ी देर देखता हूँ, तो जैसे आरती होती है आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी द्वारका पहुंच गया हूँ। तो द्वारका के अंदर जैसे आए ना, तो मुझे ठाकुर जी महाराज की कृपा थी, तो एक वीडियो मिल गया है। तो उसने बोला कितने ले रहे हो, मैंने बोला जितने दे आप दोगे इतना मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे को ये भाई ने सपोर्ट किया था, देखिए मैं पूरा अभी वो भी व्यू दिखाता हूँ, पहले वीडियो कम्प्लीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सोमनाथ टी है। आप कभी भी द्वारका में आओ ना, तो अंदर रबारी गेट है, रबारी कॉलोनी करके गेट है, वहाँ के सामने ही एग्जिट है सोमनाथ टी स्टॉल, देखे सारी चीज़ मिलती है इधर, खाने पीने के लिए और रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये ऊपर है क्या नाम दिखा है, एंटरप्राइज है ना रेड कलर का, वो आगे का नाम तो नहीं दिखता है, वो भाई का स्टॉप है ये पूरा। ये देखे ये अभी चाय बना रहे हैं, एक बार आप इधर चाय टेस्ट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगी, क्योंकि ये द्वारका की फेमस ही चाय है। सब जगह पे सिटी में मिलती है ना, वहाँ देखिए फेमस चाय बनाते हैं, और ये भाई चाय बनाते हैं। आपका नाम क्या है भाई? दाना भाई करके ये चाय बना रहे हैं। वो एक्चुअली अभी थोड़ा वीडियो में आ रहे हैं ना, इसीलिए परेशान है। और ये सोमनाथ टी स्टॉल है, देखिए पान की दुकान है, मावा मसाला सब मिलता है इधर। आपको यहाँ पे सब ओरिजिनल चीज़ ही मिल जाएगी, आप कभी भी आओ ना तो दिक्कत नहीं रहेगी आपको इधर आने के लिए। देखिए पूरा ये पूरी शॉप है, सब भी चीज़ मिल जाएगी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं इधर नहीं मिलेगी आपको, सब ओरिजिनल ही मिल जाएगी। देखिए ये देखिए नाश्ते का भी उसका ही है, मसाला डोसा, पची मसूरी डोसा, पेपर डोसा, इडली, पौवा, दाल वड़ा। तो मैंने टेस्ट किया, सबसे बढ़िया चीज़ है अभी बन रही है। देखे कोई भी बाहर से कस्टमर आते हैं ना, तो उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। ये देखे ये सर जी है, वो बनाते रहते हैं सब चीज़, देखे सब ओरिजिनल से ही बनाते हैं, कुछ मिक्स नहीं करते हैं। कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी होगी ऐसी, मैंने टेस्ट की है, क्योंकि मैं सूरत से इधर आया हूँ ना, मैंने टेस्ट करी कि बाद में मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, वरना तो मैं नहीं दिखा पाता हूँ। तो आप कभी भी आओ ना तो टेंशन मत लेना इधर आ जाने का, मैं यहाँ का लोकेशन भी डाल देता हूँ, तो आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ मिल जाएगी, पूरे दिन में दिक्कत नहीं आएगी। ये अंदर बैठने के लिए भी जगह है, देखिए ऐसी साफ़ सफाई आपको कहाँ मिलेगी देखिए। और ये मेनू है पूरा, काम धेनू करके मेनू भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट में मिलता है इधर। देखिए पौवा का 30 रुपया, दाल पकवान का 30 रुपये, पूरा मेनू आपको मैं दिखा देता हूँ। पीछे नहीं इतनी चीज़ बनाते हैं, और भी चीज़ बनाते होंगे, लेकिन वो आपको रूबरू इधर आना पड़ेगा। आप रूबरू आ पाओगे ना तब आपको पता चलेगा। और एक बार मित्र आप अचूक इसकी मुलाकात लीजिए, मैं लोकेशन भी ट्रेस कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये देखिए देखिए आपको गुजराती थाली भी मिल जाएगी, सोमनाथ पूरे इसकी है, पूरी शॉप पूरी बिल्डिंग है। अभी तो कोई कस्टमर नहीं है इसीलिए बन नहीं रहा है, मैंने आगे खा लिया वरना मैं दिखा था आपको। ये पूरा होटल है देखिए, आपको खाने पीने की सब सुविधा इधर मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको।